पटना मेजर संदीप सागर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर छात्रों की पुरानी रंजिश के चलते एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस हमले में एक अन्य छात्र को भी चाकू लगा है। मृतक विकास कुमार 11वीं कक्षा का छात्र था और उसका कुछ समय से स्कूल के ही एक अन्य छात्र से आपसी विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से कुछ लड़के पहले से ही स्कूल के बाहर खड़े थे। स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आईटीआई की ड्रेस में आए कुछ लड़कों ने विकास की छाती में चाकू घोंप दिया। विकास को चाकू लगने के बाद उसे बचाने के लिए 10वीं कक्षा का एक छात्र सूरज आया तो उसके हाथ पर भी लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। लड़के आए थे कुछ लड़ाई में, ठीक है, तो हमारे स्कूल वाले भिड़ गए। एक लड़के ने पता नहीं किसको मार दिया, सब उसको इकट्ठा होकर देखने के लिए किसने किसको मारा, तो वो लड़का ना सबने पकड़ लिया कि मतलब लड़के जिसने मारा था, तो एकदम से भाग दौड़ में गया। मैं वहीं खड़ा होता, मेरे पता नहीं कैसे छुरी लेकर भाग गया, उसने मेरे हाथ मार दिया। क्या नाम है इसका? विकास। वो चाकू वगैरह मारे हैं जी? पता नहीं है। आप कहाँ पढ़ते हो? साथ से। और ये जी? ये भी विकास नाम है उसका। और तुम्हारा? सोनू यादव। कोई मतलब ये नहीं है कि कोई रंजिश या कोई ऐसा कुछ? जी नो। किस चीज़ में आए थे बोलो? कार, वो पता नहीं कैसे आए थे। ठीक, विकास को चाकू मारने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। जब इस घटना का पता स्कूल टीचर को चला तो वो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्रों एवं टीचर्स ने सूरज एवं विकास को नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने विकास को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल सूरज का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद ACP नूपुर बिश्नोई सहित सेक्टर 5 थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं इस मामले में ACP नूपुर बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक छात्र विकास गांव रैली सेक्टर 12A का रहने वाला था और उसके पिता फैक्ट्री में काम करते हैं।